और ये सारे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स बिल्डिंग के नीचे। और घूमने के लिए अच्छी जगह है कनाडा। ये अच्छा छोटा सा शैक खोल रखा है, कॉफी शॉप टाइप। मेरे पास आकर के कबूतर बैठ गया है। अब मैं वापस जा रहा हूँ शिप की तरफ। स्टीमर कॉर्पोरेशन यहाँ पर लाइव लॉबस्टर्स देखने को मिलते हैं। ओपन सेंट जॉन स्ट्रीट, ब्यूटीफुल प्लेस। साफ सफाई बहुत है यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छी लगी साफ सफाई यहाँ पे। घूमने का भी अलग ही मजा है। स्काई देखो कितना ब्लू है, द नेचुरल क्लीन एयर। बस ये है कार्स। पूरा एरिया यहाँ बैठ करके आप एंजॉय कर सकते हैं। खाने पीने का रेस्टोरेंट वगैरह है, वाटर फ्रंट। ये ट्री है शैमरॉक का, लीव का। बहुत मशहूर पड़े हैं वहाँ। ये आइसक्रीम पार्लर है, कॉटन कैंडीज मेन्यू लिखा है पूरा। और ये मूस हेड, सुवेनियर्स एंड स्नैक्स की शॉप। और ये स्टीमर्स है जो कि बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है यहाँ पे। और यहाँ लॉबस्टर्स बेसिकली बेचा जाता है। और आज का नहीं, बहुत पुराना रेस्टोरेंट है स्टीमर्स लॉबस्टर्स, लाइव लॉबस्टर्स, क्रूज ऑन ओवर द फ्रेश लॉबस्टर्स। एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ पे। कभी आप आओ कनाडा सेंट जॉन तो जरूर इन्जॉय करना यहाँ पे। और ये अब हम आगे हैं क्रू एरिया, ये सारे कंटेनर्स पे बनाया गया है शॉप्स। यहाँ क्रू के लिए क्रू लॉन्च है, दिस इज क्रू लॉन्च। एकदम रास्ता ब्रूटेल मेन्यू। और ये सब यहाँ फ्री इंटरनेट है क्रू के लिए, क्रू शिप क्रू। अब हम जाएंगे। आज मैं वैसे अकेला ही आया हूँ ताकि मैं इंजॉय कर सकूँ, देख सकूँ क्या जगह खुद से एक्सप्लोर कर सकूँ। ये सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स $20 रेंट मिल जाता है अगर आपने टाउन वगैरह कहीं जाना है तो, सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं। और ये लाउंज है क्रू के लिए,
धूप में जाके थोड़ा ऊपर बैठ जाता हूँ धूप में, और आपको दिखाता हूँ व्यूज। एक कनाडा का फ्लैग, और ये सारे फ्लैग्स हैं यहाँ पे अपार्टमेंट सी साइड पे, और ये हिल्टन होटल की प्रॉपर्टी है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और वो सामने हिल्टन होटल है। हार्बर पैसेज, ज़्यादा वुडन फ्लोरिंग है सी साइड पे, और ये सारा डाउनटाउन को एरिया जाता है। अच्छी वो ही खड़ा है। हेलो, सो बालकनीज, फ्लावर्स, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स यहाँ पे। ज्वेल ऑफ द सीज, जो मेरा नया शिप है जिसमें मैं आया हूँ। ये अपार्टमेंट्स है सारे, अच्छा वॉक है 10 मिनट का, जिससे कि एक्सरसाइज भी हो जाती है और हम लोग थोड़ा धूप भी ले लेते हैं। फ्लावर्स देखो, सब UPVC विंडोज डोर्स का यहाँ पे रहता है, लोग यहाँ खड़े होकर फोटोज खींचते रहते हैं हार्बर पे। ये देखिए, और यहाँ से सारे रेस्टोरेंट्स एंड बार, यॉक बिस्ट्रो प्लस पब पहला पड़ता है हार्बर साइड पे, और वो कार्गो टर्मिनल है। 10 मिनट का वॉक है क्रू सेंटर पे, जहाँ पे फ्री वाईफाई और क्रू के लिए फैसिलिटीज़ हैं जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट से प्रोवाइड किया गया है। ये सारा मैप यहाँ पे दिए हैं, लोग देख रहे हैं। ये सेंटर मार्केट स्क्वायर है, मार्केट स्क्वायर के लिए मॉल चालू हो जाते हैं। ये हार्बर पैसेज, लोग वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं हार्बर पैसेज सेंट जॉन। सो इट्स अ नाइस एक्सपीरियंस, कम आउट, फूड पब, कॉफी सर्विस, पार्किंग सब कुछ है यहाँ पे हार्बर साइड पे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, रात में यहाँ लाइव बैंड प्ले करता है। अब गैली में क्या, हाँ रेस्टोरेंट में, अच्छा वेटर, अच्छा। मार्केट स्क्वायर, ये है मार्केट स्क्वायर का मॉल, और ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे अलग अलग। पेडेस्ट्रियन, अच्छी लैंडस्केपिंग, और ये स्टेज है यहाँ पे बैंड प्ले करता है, और ये डिजाइन बना रखे हैं इन्होंने पैक, और ये बीन बैग्स के लिए है जो लैंडस्केपिंग बहुत बढ़िया है यहाँ पे, जो कि पूरा यूटिलाइज किया गया है। फ्लावर्स देखो, पर्पल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बैठने के लिए स्टूल्स दिए गए हैं। अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पे, कुछ ना कुछ ये बना रहे हैं। आज से 7-8 साल पहले मैं आता था यहाँ पे, जो ये मेरा पोर्ट था, और उसके बाद आया, थोड़ा चेंज हो गया है, बाकी बिल्डिंग्स वगैरह तो सब सेम ही है।
पे मेन रोड है, स्कूल बस और ये मेन स्ट्रीट है यहाँ पे, जहाँ ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स वगैरह है। और हम अपने पुराने टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं।